जुडेरे इस्माइल खान में शदीद गर्मी के मौसम में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई है जो मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए इस वक्त वापडा ग्रिड स्टेशन पहुँच चुकी है और इस तमाम तर एहतजाजी मुजाहरे की क्यादत सुहेल राजपूत कर रहे हैं। इस वक्त हम ग्रिड स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। एक एहतजाजी कैंप भी लगाया गया है और वापडा हुकाम से ये मुतालबा किया गया है कि डेरे इस्माइल खान में लोड शेडिंग के दौरान यह कम से कम किया जाए। हम सुहेल राजपूत से पूछते हैं कि उनके एहतजाज के हवाले से उनका आगे का क्या लाए अमल होगा और लोड शेडिंग के हवाले से वो क्या कहते हैं कि हमारे डीए खान के अंदर 22-22 घंटे, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे की लोड शेडिंग ये लोग देते हैं। ये वापडा ये खुद चोर है। मैं वफाक से कहता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारा मुतालबा आज ही मंजूर करें। हम टाइम देने वालों में से नहीं है। अगर हमारा आज इन्होंने मुतालबा मंजूर नहीं किया तो हम इंशाल्लाह इतना बड़ा एहतजाज इनके सामने करेंगे। ये खुद तारीख याद रखेंगे, तारीख में लिखा जाएगा कि आज ये खान के लोगों ने अपने हकूक किस तरह लिए हैं। आपका क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा हमारा ये है कि 24 घंटे की लाइट ये ऑन करें। अगर ये ऑन नहीं करते, हमने इनको आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आधे घंटे बाद हम खुद अपना स्विच ऑन करेंगे, इनको दिखाएंगे। जी आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर बिजली बहाल न की गई तो उनका ये एहतजाज जो है मजीद इसमें शिद्दत आएगी और वो खुद जाकर वापड़े के ग्रिड स्टेशन में बिजली ऑन कर देंगे। इस वक्त शहरी जो है काफ़ी मुश्तहिल नज़र आ रहे हैं। हुकूमत और वापडा के ख़िलाफ़ शदीद नाराबाजी भी की जा रही है और ये मुख्तलिफ बाज़ारों से होते हुए एक रैली की सूरत में यहाँ वापडा ग्रिड स्टेशन पहुँचे हैं। जी